जैसे कि भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे हर दिन कुछ नहीं करती है। ये तो आपने सुना ही होगा, बिना हवाई जहाज के किसी दूसरे देश में प्रवेश करना अचरज भरा तो लगता है। लेकिन अब भारतीय रेलवे यात्रियों को सुखद अनुभव के लिए अपने एक और पड़ोसी देश के साथ ट्रेन चलाने पर विचार विमर्श कर चुका है। यह पड़ोसी देश नेपाल है। आपको जानकर खुशी होगी, जिसके साथ भारत जल्द रेल सेवा को शुरू करने वाला है। यह ट्रेन बिहार के जयनगर से नेपाल के धनुषा जिले कुरिया तक ब्रांड गेज लाइन पर चलेगी। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। भारतीय रेलवे लाइन का यह कदम काफ़ी सराहनीय है। हालांकि हवाई जहाज से नेपाल तक के सफ़र और रेलवे के सफ़र तक में कितने रुपयों का फ़र्क होता है, अभी इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यह रेल यात्रा करीब 33 किलोमीटर की होगी और इसके लिए जयनगर से एक नया रेलवे स्टेशन भी तैयार किया गया है। जयनगर में कुरिया के रूट के अलावा एक रूट भारत से नेपाल के बर्दिवस तक ले जाने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। यह नई पटरी बिछाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। दोस्तों, भारत से नेपाल के इस दूसरे रूट के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर की ही रेल लाइन बिहार में बिछाई जाएगी, बाकी की 66 किलोमीटर रेल लाइन नेपाल से तैयार होगी। इस रूट पर सेवा शुरू होने के आसार है। इस रूट पर मालगाड़ी भी दौड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।